हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आपने अभी जो चैप्टर पूरा किया है जीवों का वर्गीकरण, आज उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से विषम पोषी जीव कौन सा है। तो ये पूछा गया है कि इनमें से ऐसा जीव बताइए जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है पूर्णभोजी, बी ऑप्शन है परजीवी, सी ऑप्शन है मृतोपजीवी और डी ऑप्शन है सभी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा जीव इनमें से विषम पोषी जीव है। विषम पोषी जीव आपको चुनना है, तो इसका आंसर सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूर्णभोजी या फिर मृतोपजीवी परजीवी ये सभी के सभी विषम पोषी जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस सजीव में थैलीनुमा रचना होती है जिसमें छोटे बच्चे रहते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें उसके छोटे बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एकिडना, बी ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, सी ऑप्शन है बेंदीकूट और डी ऑप्शन है हमिंग बर्ड। तो मैंने आपको बताया था कि कंगारू के अलावा बेंदीकूट में भी यही संरचना पाई जाती है, तो आपका सही आंसर होगा सी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों के विषय में सत्य कथन है, इनमें से कौन सा कथन पक्षियों के विषय में बिल्कुल ठीक है। पहला ऑप्शन है इनमें अग्रपाद का रूपांतरण पंख के रूप में होता है, मतलब इनके जो आगे के पैर हैं उनका रूपांतरण पंख के रूप में हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, ये फेफड़े से सांस लेते हैं। तीसरा ऑप्शन इनका हृदय चार कक्षीय होता है, इनके हृदय में चार कोश होते हैं। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपको आंसर पता चल गया होगा, मैंने आपको पढ़ाया था इसका, तो इसका सही आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे पक्षियों के गुण हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, किस पौधे को उभयचर कहा जाता है, मतलब जो जल और थल दोनों में उग जाता है उसे उभयचर कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका थैलोफाइटा, बी ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, सी ऑप्शन टेरिडोफाइटा और डी ऑप्शन है अनावृत बीजी। तो इसमें से आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, साबूदाना प्राप्त किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, साबूदाना प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त करते हैं साबूदाना। ऑप्शन ए पेड़ से, ऑप्शन बी शैवाल से, ऑप्शन सी कवक से या ऑप्शन डी मक्का से। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए पेड़ से, चीड़ के पेड़ के स्टार्च या मंड से हम साबूदाना प्राप्त करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नरम देह वाले कवची जीव हैं, ऐसे कौन से जीव होते हैं जिनकी जो शरीर होता है बहुत ही नरम होता है और उनके ऊपर उनकी सुरक्षा करने के लिए कवच चढ़ा होता है। तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन जो है आपका वो है ऑर्थोपोडा, बी है एनेलिडा, सी मोलस्का और डी प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर होना चाहिए मोलस्का। मोलस्कस मैंने आपको बताया भी था, ऐसे जीव जिनकी त्वचा बहुत ही या जिनका शरीर बहुत ही मुलायम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है, क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन अरस्तु, बी ऑप्शन कैरोलस लीनियस, सी ऑप्शन है थियोफ्रेट्स एंड डी ऑप्शन रॉबर्ट हुक। तो सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी कैरोलस लीनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे सरल बहुकोशिकीय जीव है, सबसे सरल बहुकोशिकीय जीव कौन सा है। ऑप्शन ए नाइडेरिया, ऑप्शन बी पॉरीफेरा, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी ए सभी। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी पॉरीफेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मगरमक्ष के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मगरमक्ष के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मगरमच्छ उभयचर है, उभयचर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 3
लेकिन मैंने आपको बताया था कि उभयचर का अपवाद है मगरमच्छ, जिसके हृदय में चार कक्ष पाए जाते हैं। तो इसका आपका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मगरमच्छ के हृदय में चार कक्ष होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैलोफाइटा का प्रमुख उदाहरण है, थैलोफाइटा ग्रुप का जो सबसे प्रमुख उदाहरण है वो कौन सा है? ऑप्शन है सैवाल, ऑप्शन बी मॉस, ऑप्शन सी फर्न, ऑप्शन डी नारियल। इसका सही आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, आप लोग वीडियो को देखते जाया करें और अपना आंसर पहले ही लिख लिया करें, फिर बाद में आप मैच किया करें कि आपके कितने आंसर हैं, और फिर उन्हें कमेंट बॉक्स में आप लिख के डाला करें कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए सैवाल, थैलोफाइटा का सबसे प्रमुख उदाहरण सैवाल होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ क्वेश्चन सी टेट और टेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, नीचे कुछ जीव दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ईस्ट, दूसरा है खटमल, तीसरा है जोंक, चौथा है अमरबेल, पांचवा है सैवाल, छठवां है जू, सातवां छत्रा क्या मशरूम, और आठवां लाइकेन। इनमें से परजीवियों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव कौन से हैं? इनमें से कौन कौन से जीव ऐसे हैं जो परजीवी के अंतर्गत आते हैं? तो आपको ध्यान से देखना है इन ऑप्शंस में से कौन कौन से इसमें से परजीवी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम, पहला ऑप्शन देखते हैं खटमल, ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसी में ए ऑप्शन में दूसरा है जोंक, फिर है जूं, अमरबेल और जूं। तो आपका यही ऑप्शन ठीक होना चाहिए, तो इसका आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल ठीक आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है? अगुहिक मतलब ऐसा जंतु जिसमें गुहा नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है? पहला ऑप्शन है इकाडुनोडर्म, बी ऑप्शन एनिलिडा, सी ऑप्शन है ऑर्थोपोडा, एंड डी ऑप्शन प्लेटी हेलमिंथीस। तो इसका सही आंसर होना चाहिए प्लेटी हेलमिंथीस, इनमें कोई गुहा नहीं पाई जाती है, इन्हें हम चपटे जंतु भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्तनियों के कशेरुकी में किस प्रकार का सेंट्रम होता है? स्तनियों के कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है? तो इसका ऑप्शन है आपका उभयपट्टित, विषमगर्ती, अग्रगर्ती, उभयगर्ती। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए उभयपट्टित। ठीक है, दोनों तरफ उभयपट्टित, एम्फीप्लेटोन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक है, परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे? अगर आपको ऐसा पौधा दिया गया है जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक होता है, लेकिन उसमें पुष्प और बीज नहीं होते, किस समूह में डालेंगे आप इसको? तो इसका आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए है सैवाल, बी है ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, और डी है जिम्नोस्पर्म्स। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा ग्रुप मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा वास्तव में मछली नहीं होता? पहला ऑप्शन है फुसफुस मछली, बी है रजत मछली, सी है बिल्ली मछली, और डी है कुत्ता मछली। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका रजत मछली, रजत मछली वास्तविक मछली नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी? किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर बी, क्यूवियर ने, क्यूवियर ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी। ठीक, आज की आपकी क्विज यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अगले वीडियो में, तब तक साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।